नमस्कार, आपका स्वागत है खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल में। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। आप सारे लोगों के सामने उम्मीदवारों की लिस्ट भी प्रसारित कर दी गई है। आम लोग अब इस धारणा को लेकर चल रहे हैं कि मत का प्रयोग करना है और चुनाव होना है, लेकिन बड़ी अजीब स्थिति लोगों के बीच में बनी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार के अगले होंगे कौन। मुख्यमंत्री के रेस में अब तक जो नाम उछलकर सामने आई उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की भी नाम है, मांझी जी भी बनना चाहते थे, पप्पू यादव बनना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं, मुकेश सहनी की भी कमोनवेश भावना है कि मुख्यमंत्री बिहार का बना जाए, नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर बना जाए। लेकिन सारी बातों के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में इस बात का मलाल नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी की बने? यह बड़ी बात है और यह बड़ी सोच की बात मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार ने 15 साल का शासन चलाया, जिस प्रकार बेरोजगारी फैली, घोटालों का बाजार गर्म रहा, अपराध अत्यधिक होता रहा, बाढ़ सुखाड़ को भी लोग झेलते रहे, कानून व्यवस्था चरमराई रही, अफसरशाही बढ़ती रही, महंगाई बढ़ता रहा, सारे हालात का विरोध विपक्ष के नेतागण करते रहे, लेकिन किसी की कुछ न सुनी गई। शिक्षकों पर भी लाठियां बरसाई गई, अन्य मांग करने वाले लोगों पर भी लाठियां बरसाई गई। फिर एक बार हाथ जोड़कर नीतीश जी मौका मांग रहे हैं आम जनता से। आज भी बिहार के आधे से अधिक जिले में, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, पानी लगी हुई है, वर्षा की पानी हो या बाढ़ का पानी हो, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को दबोचने में लगे हुए हैं, शराब की खेपें आ रही है और घर घर पहुंचाया जा रहा है। उधर प्रशासनिक महकमे में होड़ लगी हुई है कमीशन खोरी का, पुल पुलिया बनती है टूट जाती है, सड़कें बनती है टूट जाती है, अति पिछड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, हिंदू मुसलमान की बातें होती है, लेकिन चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति बदहाल है उसके विषय में किसी ने नहीं सोचा। रिक्त पदे पड़े हुए हैं कार्यालयों में, उसे नहीं भरा गया। हर तरफ से आम लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ललक में नीतीश कुमार जी ने जोड़ तंगड़ की राजनीति शुरू की। नीतीश कुमार के कारनामों का विरोध हमेशा राजद के नेतागण करते रहे, तेजस्वी यादव करते रहे, भाजपा मुखदर्शक बनकर देखती रही, लेकिन चिराग पासवान ने विरोध किया और चिराग पासवान ने सात निश्चय योजना को घोटाला का पिटारा कहा और यह भी कह डाला कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा किन किन लोगों में है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर युवा बनते हैं तो कौन बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री की लड़ाई सामने जो दिख रही है, इसके अलावे भीतरी लड़ाई भी मुख्यमंत्री बनने की हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने की चाह एक ऐसे
दल के नेताओं में है जिसे आप न देख पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें भी चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उसने कई गठजोड़ किए और कई जोड़ तंगड़ किए। और स्पष्ट आपको मैं फिर बताऊंगा, आप सोचते रहिए कि एक और व्यक्ति हैं तेजस्वी, चिराग, नीतीश कुमार, जो देश में तीन व्यक्ति, इनके अलावे कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसी पार्टी है जो मुख्यमंत्री की ललक में है, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और हर हाल में चाहिए। अब आम जनता को यह सोचना है, अब आम जनता तुलना करेगी किसने क्या किया। तेजस्वी यादव युवा हैं, तेजस्वी यादव ने गठजोड़ किया कांग्रेस के साथ, कम्युनिस्ट के साथ। तेजस्वी यादव जोश खड़ोश से चुनाव की तैयारी में है और जनता ने तेजस्वी के प्रति आस्था भी व्यक्त किया, लेकिन इन सारे मेहनत और कार्यों के अलावे एक कौन ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर निगाह डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं और वो नीतीश को भी पीछे छोड़कर स्वयं को आगे करना चाहते हैं और चाहत बनी हुई है मुख्यमंत्री की कुर्सी हर हाल में झटकना तय माना जा रहा है। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बनते हैं, लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह वीडियो में आपको काफी सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के बाद दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नीतीश को नहीं मिलेगी। हर हाल में नीतीश की विदाई तय है। अगर सरकार बनी तेजस्वी को तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं बनी तो नीतीश नहीं कोई और होंगे। जो होंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखें कि आखिर वो कौन पार्टी और कौन है जो मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी चाहत है। योजना जबरदस्त है और बनने की भी उम्मीद है। टक्कर उस छिपे हुए व्यक्ति और तेजस्वी में है, बाकी नीतीश की तो बंटाधार होनी तय है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि मेरी बात में कहां तक सच्चाई है और आप किसको ऐसा मानते हैं। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।